हम तब शुरुआत करते हैं चलिए सर टाइम में ठीक टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.12 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड क्वेश्चन सिंगुलर सॉल्यूशन क्वेश्चंस ओके हियर वी गो बिफोर दैट वी हैव टू रिवाइज द टॉपिक व्हिच वी हैव रीड इन द थ्योरी सेक्शन देखो क्लेरोइड इक्वेशन होता क्या है y px अगर ये पहली वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले वाले वीडियो भी देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्लियर इक्वेशन होता क्या है सबसे पहले वो फॉर्म में होता है सिंपल फॉर्म क्या है वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी के फॉर्म में होता है ठीक है और जनरली क्लियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कैसे अचीव होता है जब क्लियर इक्वेशन के फॉर्म में किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख देते हैं तब पी इक्वल टू सी पी को सी से रिप्लेस कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा अगर इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में अच्छा समझना है तो थ्योरी की थ्योरी की जनरल कैलोरेटिक्वेशन की थ्योरी की वीडियो लिंक में दी हुई है इस डिस्क्रिप्शन दे, बॉक्स में दी हुई है लिंक उसे जाके देख लेना और जनरल सोल्यूशन क्या होता है जनरल सोल्यूशन तो जब यह पता है कि जब पी को सी से रिप्लेस करते हैं क्लोरेटिक्वेशन के फॉर्म में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तब और सिंगुलर सोल्यूशन कब होता है सिंगुलर सोल्यूशन होता है जब जनरल सोल्यूशन को विद रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट करते हैं बाकी अदर वेरिएबल को कॉन्स्टेंट मानते हैं और उसमें से सी का वैल्यू निकाल के फिर जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं तो वो हमारे क्या सिंगुलर सोल्यूशन हो जाता है ओके okay, यहाँ तक क्लियर होगा वही सब है सिंगलर सोल्यूशन के बारे में स्टेप्स हैं जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी पढ़ लेना एक बार ठीक है तो हम शुरू करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन से साइन एक्स पी कास वाई इक्वल टू तो कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी तो यहाँ देख के हमें लग रहा है कि ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जल्दी नहीं आ सकता है तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगाने होंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने होंगे जो हमें आसानी से यहाँ सॉल्व हो जिसके कारण ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए तो मैंने कॉस पी एक्स और साइन वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया मैं कॉस पी एक्स और साइन वाई को किस में लेके आया लेफ्ट हैंड साइड में तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये किसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का फार्मूला है तो यहाँ तक क्लियर होगा देखो तो साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी हो गया तो पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन बस पी हुआ हुआ ना तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस साइनवर्स एक्स तो ये क्या है ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्लेरोइड इक्वेशन जनरल फॉर्म नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्लेरोइड इक्वेशन हो गया वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी एफ पी की जगह पड़ गया है माइनस साइन वर्स पी यहाँ तक क्लियर होगा अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं पी को सी से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इन्स सी तो मैंने पी को सी से रिप्लेस कर दिया और ये हमारा क्या जनरल सॉल्यूशन बन गया अब हमारा सेकेंड स्टेप आता है कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें जैसा कि मैंने पीछे कहा कि पहले कहा कि सिंगल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जनरल सॉल्यूशन को विथ रिस्पेक्ट टू सी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है लेकिन अदर वेरिएबल को कॉन्स्टेंट मान के तब देखो क्या होता है कि वाई को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे एक्स को भी कॉन्स्टेंट मानेंगे सिर्फ सी को ही हम एज ए वेरिएबल मानेंगे जो, C है, जो बर सी है साइनबर सी है वो भी एक वेरिएबल है और सी एक वेरिएबल है बाकी सब क्या है कॉन्स्टेंट है तो अगर इसको डिफरेंशिएट टू सी तो वाई तो का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट हम ट्रीट किए हैं एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो नहीं होगा एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा सी का डिफ्रेंशिएशन वन होगा और साइन इनवर्स सी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बाई अंडर वन माइनस सी स्क्वायर यहाँ तक क्लियर होगा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है अब आगे देखते हैं अब हम क्या करते हैं सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है जैसा कि कहा था सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है और सी की वैल्यू किस में डालना है इक्वेशन के जिनरल फॉर्म में डालना है तो देखो एक्स की वैल्यू सी की वैल्यू मैंने फाइंड की कैसे स्क्वायर कर दिया बोथ साइड अब सी क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स यहाँ तक तो क्लियर होगा कैलकुलेशन तो यहाँ तक क्लियर होगा दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक क्लियर हो गया अब यहाँ देखो सी की वैल्यू निकल गई अब हमें सी की वैल्यू को जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा तो जनरल इक्वेशन में क्या था साइन वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इन सी यहाँ तक क्लियर है तो सी एक्स था सी तो का वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स 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 कट गया कैंसिल हो गया तो बचा गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स तो क्लियर होगा तो ये हमारे क्या सिंगुलर सोल्यूशन और ऊपर में जो निकला था वो हमारा जनरल सोल्यूशन क्लियर होना चाहिए अब देखो याद रखना है एक चीज की सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है ये तो याद होगा सिंगुलर सोल्यूशन में जब सी रहेगा तो, उस क्या, हो C रहे तो क्या, क्या हो जाएगा सी रहेगा तो वो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा अगर सी के जगह अगर कोई फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा पी छोड़ के सी के जगह कोई फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन क्लियर होगा अब जनरल सॉल्यूशन के दो क्वेश्चन बचे हुए वह हम करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन के दो क्वेश्चन जो थे पी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू पी वाई स्क्वायर तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू पी एक्स वाई इक्वल टू पी वाई स्क्वायर तो यहाँ क्या करेंगे इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लिए अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद क्लियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आता है यहाँ तो देखने से पता चल रहा है क्लोराटिक्वेशन के फॉर्म में नहीं आता है तो इसमें हमें क्या करना होगा कुछ चीज़ों को जू और भी मान के या कोई भी वेरिएबल को कुछ कॉन्स्टेंट मान के ट्रीट करके डिवाइड करके हमें सिंपल क्लोराटिक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो देखो आगे क्या करते हैं तो यहाँ पर हमने ये चीज़ जो समझनी है कि एक्स वाई को भी माने वाई को टी माने ये प्रैक्टिस से ही आएगी इसलिए प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना है क्वेश्चन का तो देखो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू वी और वाई इक्वल टू टी तो डिफ्रेंशिएट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी वी हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग वाई को डिफ्रेंशिएट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा देखो डी वाई बाई डी एक्सल टू डी टी वाई डी एक्स था डी तो एक्स का कैंसिल हो तो जाएगा तो डी वाई इक्वल टू डी हो जाएगा अब हम क्या किए कि डिवाइड कर दिए एक्स डी वाई वाई डी एक्स वाई डी वी वाई डी एक्स डी वाई से और डी वी वाई डी टी हो गया उसका मतलब ठीक है अब हम क्या करते हैं डी वी वाई डी टी को पी मानते हैं शुरू वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि p कोई भी चीज हो सकता है लेकिन रिलेटिव होना चाहिए जैसे p का मतलब होता है क्या डी वाई बाई होता है यहाँ p का मतलब क्या है कैपिटल पी का मतलब डी वी बाई डी टी क्लियर हो गया यहाँ तक अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि डी वाई डी वाई तो कैंसिल हो गया वाई डी एक्स बाई डी वाई जो है ये क्या हो गया वन बाई पी डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है वन बाई पी तो एक्स प्लस वाई पी इक्वल टू पी अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्लियर क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है अब देखो क्या करते हैं हम लोग अब हम क्या कर रहे हैं पी माइनस एक्स कर देते हैं पी इक्वल टू वाई बाई पी माइनस एक्स हो जाता है यहाँ तक क्लियर होगा देखो क्या किया मैंने कि एक्स को राइट हैंड साइड में भेजा और फिर जो पी माइनस एक्स बचा उसको मैंने क्या वाई बाई पी माइनस एक्स हो गया और पी को फिर मैंने राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्लियर होगा यहाँ तक तो पी इक्वल टू वाई बाई पी माइनस एक्स अब देखो पी इक्वल टू पी वाई वाई मैंने ये पी क्या कैपिटल पी है ये छोटा पी है स्मॉल पी ध्यान रखना अब इसको क्या वैल्यू सब्सिट्यूट करना है तो यहाँ से मैंने क्या किया है वैल्यू सब्सिट्यूट करने के लिए कुछ कुछ क्या किया है कॉमन लिया है जैसे देखो एक्स प्लस वाई वाई पी जो हमारा ऊपर निकला था क्या था कैपिटल पी के बराबर था कैपिटल पी सब्सिट्यूट कर देंगे तो पी इन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी वाई स्क्वायर पी जहाँ छोटा है ये पी बड़ा है ध्यान रखना एक्स प्लस वाई पी जो ऊपर में रिलेशन निकला था वो क्या था कैपिटल पी के बराबर कैपिटल पी मैंने सब्सिट्यूट कर दिया है अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ y वाई पी माइनस एक्स और y वाई पी माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर होगा यहाँ p का वैल्यू y वाई पी माइनस एक्स यहाँ होल स्क्वायर है इसीलिए यहाँ क्या अंडर ब्रैकेट के भीतर है अब तो स्क्वायर तोड़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एक वाई यहाँ बच जाता है और यहाँ पर क्या है पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर था तो एक पी माइनस एक्स कट गया तो बचा क्या पी स्क्वायर वाई पी माइनस एक्स इक्वल टू वाई यहाँ तक क्लियर होगा पी माइनस एक्स इक्वल टू वाई अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं p x को y के साथ यहाँ तो क्लियर होगा p x को किससे मल्टीप्लाई करते लेते हैं y के साथ तो p x को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो p² py yx अब हम जानते हैं कि y को हम क्या माने थे y को हम t माने थे और xy को क्या माने थे v माने थे तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब हमारा क्या इक्वेशन क्लियर इक्वेशन के फॉर्म में आने लगेगा तो देखो क्या क्या हो गया के के बराबर है है ना? क्या है y के v है x के t है तो है ना पर जगह जगह बाकी सब तो के, क्लेर के form है। तो में इसका जनरल सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा पुट पी इक्वल टू सी सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो वी इक्वल टू सी टी माइनस सी स्क्वायर कर दिए तो अब फिर भी का वैल्यू बैठा गिवन Given differential equation के बराबर हो जाए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के में भी क्या था एक्स वाई था और सी क्या था सॉरी टी क्या था वाई था एक्स वाईल टू सी वाई माइनस सी स्क्वायर अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं पी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस पी वाई टू टू पी ठीक है यहाँ भी उसी तरह कुछ है कि सिमिलरली मतलब आसानी से यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू पी डिफ्रेंशिएट करके फिर डी यू डी वी बाई डी यू निकाल के इसको कैपिटल भी मानेंगे और डी वी बाई डी का वैल्यू क्या आ गया वाई बाई एक्स स्मॉल पी ठीक है तो कैपिटल पी स्मॉल पी इक्वल टू एक्स बाई वाई कैपिटल पी यहाँ तक क्लियर होगा अब सब्सटीट्यूट करेंगे छोटा पी का वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर वन में सब्सिट्यूट करने के बाद क्या होगा एक्स बाय वाई पी इंटू एक्स माइनस वाई पी बरा है देखो माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स बाय वाई पी इंटू एक्स बाय वाई ठीक है यहाँ तक क्लियर होना चाहिए अब देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो क्या क्या एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर वाई और यहाँ पर एक्स एक्स वाई वाई कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस एक्स पी हो गया अब देखो कुछ कुछ कॉन्स कॉमन आ सकता है यहां पर और यहां पर देखो टू बाई एक्स वाई वाई बड़ा कैपिटल पी सब्सिट्यूट कर दिया है तो देखो यहां पर क्या होता है यहां से मैंने एक्स कॉमन लिया ठीक है इससे एक्स प्लस एक्स पीछे एक्स कॉमन लिया और वाई जो नीचे मल्टीप्लाइड था वो तो मल्टीप्लीकेशन में ही है तो वाई कॉमन लिया एक्स वाई यहां से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों से क्या कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस पी इक्वल टू पी

अब ये क्या होगा लग रहा के form में जा है ना और एक्स की जगह क्या है होगा तो वीवल टू पी यू माइनस टू पी सिमिलर टू क्लियर अब हम क्या कर देंगे वाई का वैल्यू बैठा देंगे और पी का यू का वैल्यू बैठा देंगे तो वाई स्क्वायर टू पी एक्सर माइनस टू पी बाईन जनरल सॉल्यूशन के लिए पी को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ मैंने रिप्लेस नहीं किया खुद से कर लेंगे वीडियो तो में बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे के एक एक